तवक्कुल किसे कहते हैं और तवक्कुल कैसा होना चाहिए, इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक होता है वकील। वकील उसे कहते हैं जिसके सुपुर्द कोई काम किया जाए, जैसे मैंने किसी को काम सौंपा तो वो मेरा वकील है। और एक होता है मुतवक्किल, यानी जो काम सौंप रहा है, मैंने किसी को काम सौंपा तो वो जिसको मैंने काम सौंपा वो मेरा वकील है और मैं मुतवक्किल हूँ। अब मेरा एतमाद वकील के ऊपर पूरा है, पूरा भरोसा है मेरे को उसके ऊपर कि ये मेरा काम कर ही देगा, तो इसको तवक्कुल कहते हैं। और हमारे उलमाए कराम फरमाते हैं कि तवक्कुल वो कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हो, ऐसा भरोसा, ऐसा एतमाद कि मेरा काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द है और रब्बे ज़ुलजलाल मेरा काम कर ही देगा, इसको तवक्कुल कहते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर तवक्कुल होना ही ऐसा चाहिए कि रब्बे ज़ुलजलाल हमारा काम कर ही देगा अगर हमने दिली एतमाद उसके ऊपर जमाया। वरना हम लोग कहते हैं कि अल्लाह के सुपुर्द हम काम कर दिए, लेकिन दिल में घबराहट चल रही है, यार काम होगा कि नहीं होगा कि नहीं। यार अल्लाह के सुपुर्द तूने कर दिया तो तेरा यकीन इतना कामिल होना चाहिए कि मैंने अल्लाह के ऊपर काम सौंपा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सुपुर्द मैंने काम कर दिया, मेरा काम हो ही जाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तेरा तवक्कुल अल्लाह पर ऐसे हो जैसे करने का हक है तो रब्बे ज़ुलजलाल तुझे ऐसा रिस्क देगा जैसे परिंदों को देता है कि परिंदा सुबह भूखा निकलता है और रात में पेट भर करके घर लौटता है और अपने बच्चों के लिए भी लेकर के लौटता है। ऐसे अल्लाह रिस्क देगा अगर तूने तेरे रब पर तवक्कुल किया। तवक्कुल क्या है? हम अगर कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को करना है, बखूबी अंजाम देना है और फिर तवक्कुल करना है कि ये काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। मसलन अगर कोई बीमार हो गया तो वो दवाई ले और फिर तवक्कुल करे कि रब्बे ज़ुलजलाल इस दवा की बरकत से मुझे सेहत अता फरमाएगा। ये तवक्कुल।